जनगणना के कालम में जनजातीय समुदाय के लिए सरना धर्म कोड की मांग तूल पकड़ रही है। ओडिशा, बंगाल के बाद झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ इस संबंध में आंदोलन कर रहे आदिवासी सिंगेल अभियान के प्रमुख सालखंड मुर्मू की आवाज प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तक पहुंच चुकी है। सालखंड मुर्मू 4 नवंबर को गुवाहाटी में इसी मांग को लेकर अगला प्रदर्शन करने वाले हैं। अपनी मांग के प्रति ध्यान आकृष्ट कराने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा था। पीएमओ ने इस पर संज्ञान लेते हुए उन्हें सूचित किया है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वे इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करें। पीएमओ से जवाब मिलने के बाद सालखंड मुर्मू ने इस संबंध में तैयारी आरंभ कर दी है। वे इस मांग के संबंध में अपने तर्कों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराएंगे। सालखंड मुर्मू ने मांग नहीं माने जाने पर 30 नवंबर को झारखंड समेत बिहार, बंगाल, ओडिशा और असम में रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी है। आदिवासी सिंगेल अभियान के प्रमुख और भाजपा के पूर्व सांसद सालखंड मुर्मू के मुताबिक उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी इस सिलसिले में भेंट हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सर्वोच्च पद पर आसीन करने में अहम योगदान दिया है। यह आदिवासियों के मान सम्मान, इतिहास और पहचान की याद दिलाने वाला महान कार्य है जो शायद शताब्दी में एक बार हो सकता है। उन्हें राष्ट्रपति की ओर से सुझाव दिया गया कि आदिवासियों की जनगणना में पहचान संबंधी विषय प्रधानमंत्री के समक्ष रखना चाहिए। 5 आदिवासी बहुल राज्यों में जो सरकारें हैं वह जनजातीय समुदाय की विरोधी हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।